अब हम देखें कि 180 डिग्री के अतिरिक्त अगर कुछ और पूछा, कोई अदर एंगल पूछा, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पूछा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब हमसे पूछा रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयों में कोई गैप नहीं होता है और दोनों की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक संपाती की स्थिति में होती है। हिंदी में कोइंसिडेंट को संपाती की स्थिति कहेंगे। फिर से हम बात कह सकते हैं कि समय जो होगा 5h प्लस माइनस मिनट 12/11 के बेस पर अगर हम बातचीत कर देते हैं तो h की जगह आप क्या पुट करेंगे, 9, मिनट की जगह पर अब यहां पूछा गया कोइंसिडेंट मतलब जीरो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब वो जीरो डिग्री पूछेगा तो आपको मिनट की जगह पुट करना होगा जीरो, तो हमने यहां पर मिनट की जगह पुट कर दिया है जीरो। अब जीरो पुट करने पर प्लस करो कि माइनस, आंसर एक ही आएगा, तो 45 × 12/11 हमने इसे सॉल्व किया तो 12 × 5 12 × 5 = 60, 48 और 60 = 540/11 सॉल्व कर देंगे तो 11 × 4 = 44 रिमाइंडर आ गया 10, 11 × 9 = 99 तो 49 सही 1/11 मिनट वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी और वो टाइम 9 और 10 के बीच का होगा। तो हम कहेंगे कि 9:49 = 1/11 मिनट। मतलब जब भी सवाल जीरो डिग्री का आएगा तो हम उसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे और यहां आंसर हमेशा ही 1 आएगा, यहां आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। बट अगर हम बात करें फिर से तो यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने 180 डिग्री देख लिया, जीरो डिग्री देखा है, आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें 90 डिग्री का सवाल पूछा जाता तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं।